परी, जीवन चक्र तो दिख रहा है लेकिन ये है कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? कमाल जिसमें होता है दिन और रात समान, जब वक्त की कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते। एक पल जिसमें दिन रात होते हैं समान, ऐसा तो तब होता है जब दिन रात में बदलता है और रात दिन में, और ऐसा तब होता है जब घड़ी में सुई 12 के स्थान पर होती है। हाँ, जब वक्त के कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते, यानी हमें इस घड़ी में वो समय करना है। हाँ गलपरी, बाबूजी, ये यहाँ महल यहाँ है। मिल गई महल। महल तो मिल गई लेकिन उसकी हंसी नहीं मिली, लगता है हमें उसे खरीदनी पड़ेगी। क्यों, हंसी खरीदनी पड़ेगी? अरे वाह, अरे वाह, तो पैसे लाओ। कैसे लाए हो? क्या कैसे लाए हो? कैसे नहीं, पैसे पैसे पैसे। हाँ हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे तो आपके पास होंगे ना, पैसे लाए हो? हाँ हाँ, देखो। ये तो हंसी नहीं रही है, कुछ और जादू करना पड़ेगा। ये पेज रास्ते कैसे आ रही है? गालपरी, देखिए हाथों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रोशनी के आगे से हटिए बालवीर। पता है वहां जो घिरा है बड़ी बड़ी चट्टानों से, जो है लेकिन है नहीं। अंदर उन चट्टानों में छिपा है वो सुरक्षित ऐसे, छिपता है परियों के पलकों में आंसू जैसे। कौन सी जगह है जो चट्टानों से ढकी? चट्टानों से या तो कोई गुफा ढकी हो सकती है या तो कोई पर्वत। लेकिन कौन सी गुफा या कौन सा पर्वत? जो है लेकिन नहीं है, जो है लेकिन नहीं है, यानी मायावी पर्वत, जो है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन बालवीर, आप ये बात कैसे भूल गए? इसका मतलब है जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मायावी पर्वत के अंदर ही छुपा हुआ है। हाँ, और हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। चल, चल। नहीं आई हंसी, हुआ तेरा टाइट टाइट फिश,
और करो और करो। मेरे दोस्त का नाम है सचिन, मिल जाए मुझे कान के सुनने वाली मशीन। मानव, तू मेरी हंसी के लिए मैजिक कर रहा है या अपने कान की मशीन के लिए? सचिन के लिए। ये मेरा मेहर के इस प्यारी सी हंसी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ले लो। सुंदर जगह है, बिना पानी के भी पूरी समुद्री दुनिया बसी हुई है। बाजी, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे यहाँ पहली बार आए हो। वो माँ, माँ यहाँ की खूबसूरती कुछ ऐसी है, जितनी बार दिखता हूँ उतनी बार दंग रह जाता हूँ। लेकिन बालपरी, हम इतने बड़े मायावी पर्वत में वो छोटा सा नक्शा ढूंढेंगे कैसे? हाँ, कहाँ हो सकता है वो? पहेली थी, अंदर उन चट्टानों के छुपाए सुरक्षित ऐसे। इसका मतलब कि वो नक्शा किसी चीज के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, वो तो है, लेकिन किसमें? क्या समुद्र की गहराई में कुछ भी ढूंढे तो भी कैसे? की पहेली थी, छुपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे, उसका क्या मतलब हो सकता है? मिल गया। में था, छिपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे, और हमारी पलकों के आंसू मोती बन जाते, और मोती मिलता है सीप के अंदर। इसका मतलब नक्शा भी मोती की तरह ही सीप में है। Thank you.
परी है। खुद ही मुझे अपने विनाश का रास्ता बता दिया। पता नहीं कल मेहर का ऑपरेशन कैसे होगा और मानव की उदासी कब जाएगी। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। स्मिता, स्मिता, ये क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो? हाँ, बैठो, बैठो। स्मिता, जरा सी भी फिकर करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमारी मेहर थोड़ी सी रूठी हुई है बालवीर से, बस इसलिए इतनी उदास है। तुम देखना, कल सुबह तक तो हमेशा की तरह खिलखिलाती हंसी उसके चेहरे पर आ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कल का दिन मेरे दोनों बच्चों के लिए शुभ जाए, मेहर की हंसी वापस आ जाए और मानव के कान का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। हाश, ऐसा ही होगा। जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं स्मिता, तुम बेकार में इतनी चिंता करती हो। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ घंटों में तो मानव घर वापस आ जाएगा। फिर हमारा मानव बिना मशीन के सब सुन पाएगा, है ना? शुक्रिया माँ, शुक्रिया गालपरी। आज आप दोनों की मदद से मुझे जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मिल ही गया। और अब इस नक्शे की मदद से मैं जीवन चक्र तक पहुंचकर उसे रोक दूंगा और उसके रुकते ही तुम सब परियों की सांसें भी रुक जाएगी और तुम सब परियों का अंत हो जाएगा। बालवी, अब हमें जल्द से जल्द इस नक्शे को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए गालपरी, अब ये नक्शा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा मतलब है इस नक्शे की मदद से हम उस जीवन चक्र तक पहुंच सकते थे। अब हम जीवन चक्र तक कैसे पहुंचेंगे? आप भूल रहे हो बालवीर, जीवन चक्र तक हमें नहीं हैंकर परी को पहुंचना है। और अगर ये नक्शा आपके पास रहता तो उसे हासिल करने के लिए भयंकर परी हमेशा आप पर वार करती रहती। लेकिन बाल परी, हम इस नक्शे को छुपा भी तो सकते थे। इस नक्शे को छुपाने से ये सुरक्षित नहीं होता कालपरी। आज नहीं तो कल वो शैतान भयंकर परी इसे हासिल करने की जरूर कोशिश करती और इसलिए ही मैंने इसे नष्ट कर दिया है। ना ही रहेगा ये नक्शा और ना ही वो भयंकर परी जीवन चक्र तक कभी भी पहुंच पाएगी। आपने बिल्कुल ठीक किया बालपरी। जब तक ये नक्शा रहता तब तक जीवन चक्र और परीलोक के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता। और इस नक्शे को जलाकर आपने भयंकर परी के जीवन चक्र तक पहुंचने के सपने को भी जलाकर राख में मिला दिया। इस नक्शे के बिना तो जीवन चक्र तक पहुंचना नामुमकिन है। अब भयंकर परी सारी परियों का अंत कैसे करेगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.